हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ तिरुपति। साल में एक बार मैं तिरुपति आती हूँ। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके कहा था कि अगर आप तिरुपति जाते हो तो वेल्लोर जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। तो आज इसी के कारण मैं जा रही हूँ वेल्लोर गोल्डन टेम्पल विजिट करने। तो आप भी चलिए मेरे साथ। वहाँ पर बहुत बड़ा गोल्डन टेम्पल है और माँ लक्ष्मी जी की स्वयंभू मूर्ति है, ऐसा मैंने इंटरनेट पे तो पढ़ा है। अभी हम लोग वहीं पर जाएंगे और बची हुई जानकारी मैं आपको वहीं पर दे देती हूँ। चलिए मेरे साथ, हम जाते हैं वेल्लोर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे रूम का टूर दे देती हूँ। हम लोग यहाँ पर ट्रिबो होटल में ठहरे थे और ये होटल रूम बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन सिटी सेंटर में है। यहाँ से बस स्टैंड भी बहुत ही नज़दीक था और रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छा है, PS4 नाम का, जो यहाँ से नज़दीक था, इसलिए हमने इस होटल में रहना पसंद किया। तिरुपति से वेल्लोर जाने के लिए बहुत सारे डायरेक्ट बसेस भी अवेलेबल है, लेकिन इस बार तिरुपति में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें बस मिली नहीं, तो हम लोग पहले चित्तूर गए और उसके बाद वेल्लोर गए। तो आज हमने गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, लेकिन अंदर कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वीडियो शूटिंग कर नहीं पाई। तो उसकी जो जानकारी होगी मैं आपको प्रॉपरली दे दूंगी। कृपया पॉज का बटन दबाइए और ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मंदिर के अंदर क्या देखा। गोल्डन टेम्पल अंदर जाने के बाद ना हमें मोबाइल और कैमरा डिपॉजिट करना पड़ता है। आप अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में मैं शांति से ये वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं आपको आराम से बता सकूँ कि हमने गोल्डन टेम्पल के अंदर क्या देखा। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको बहुत चलना पड़ता है, लेकिन मंदिर एरिया में एंटर करने के बाद सबसे पहले आप दर्शन करते हैं गणेश जी के। यहाँ पर गणेश जी का जी की जो मूर्ति है वो चांदी की बनी हुई है। मुझे लगता है 1700 किलो की चांदी इस मूर्ति को बनाने में यूज़ की गई है। और गणपति बाप्पा के दर्शन करने के बाद आपको ना स्टार शेप में चलना पड़ता है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको स्टार शेप में चल चल के मंदिर तक पहुँचना है माता के। तो आप ये जो पाथ है उसे चल के आप जाते हैं, तो ये पाथ भी इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है, ऊपर अच्छे से छप्पर लगाया हुआ है और इसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही अलग है। ऐसा डिज़ाइन मैंने किसी मंदिर को आज तक देखा नहीं है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। जो पाथ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और आपको पंछियों की मधुर मधुर आवाज़ें भी आएंगी, इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। तो ये लंबा सा पाथ चलकर आप माता के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर है, रियल गोल्ड से बनाया हुआ है और बहुत ही भव्य मंदिर है। एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है जहाँ ये जो तालाब है ना उसमें बहुत सारी हाथी की मूर्तियाँ हैं जिनकी सूंड से पानी आता है जो उस तालाब में गिरता है। उस तालाब के बीचों बीच ये गोल्डन टेम्पल बनाया हुआ है जो बहुत ही सुंदर है। मतलब आप वो इतना चलकर जब आप जाएंगे ना तो आपके दिल को बहुत सुकूनदायक फील होगा, इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ ये मंदिर है। आप अंदर जाते हैं, माता की मूर्ति देखते हैं, वो तो बहुत ही सुंदर है। मतलब वो दर्शन आपके बहुत सुंदर होने वाले हैं। और उसके बाद उस मंदिर के बाहर आने के बाद सामने के ही मंडप में लक्ष्मी जी की 70 किलो सोने की मूर्ति है। अभी आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसके हिसाब से अलग अलग कूपन्स है। हमने 100 रुपीज़ का कूपन लिया था क्योंकि हमें जो माता की मूर्ति है 70 किलो सोने की उसे अभिषेक करना था, लेकिन मुझे लगता है 100 रुपये, 250 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे कुछ अलग अलग फैसिलिटीज़ के अलग अलग कूपन्स है। तो आपको जो सेवा करनी है उसके हिसाब से आप कूपन ले सकते हैं। हमने 100 रुपीज़ का कूपन लिया और माता के अभिषेक भी किया। उसके बाद हमें उसका प्रसाद मिला जो तीर्थ हम लोग घर लेकर आ गए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पूरा दर्शन होने के बाद अंतिम में आप दर्शन करेंगे वेंकटेश्वर स्वामी के।
बहुत ही सुंदर मूर्ति है भगवान की, और मंदिर का जो एरिया है ना वो ही सुकूनदायक है। उसके बाद अगर आपको शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं वहाँ पर, खाने की फैसिलिटीज़ है, कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये सब करके आप गोल्डन टेम्पल के बाहर आएंगे, आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में हमें इस बार राइस मिला था जो हमने वहीं पर खाया, और कुल मिलाकर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और ऐसा मंदिर मैंने मेरे लाइफ में आज तक नहीं देखा। तो जो सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने मुझे कहा था कि तिरुपति गए हो तो गोल्डन टेम्पल ज़रूर विज़िट कीजिए, तो उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने इतना ब्यूटीफुल सजेशन मुझे दिया। आपकी वजह से मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, और जो भी प्रेक्षक अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि अगर तिरुपति जाते हैं ना तो थोड़ा 3 घंटे या फिर आधा दिन निकाल ही लीजिए और गोल्डन टेम्पल विजिट करके आइए, आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद प्लान कुछ ऐसा था कि हम लोग वेल्लोर फोर्ट जाएंगे, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और बहुत गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा इतनी गर्मी में हम लोग फोर्ट विजिट नहीं कर सकते, तो हम लोग सीधे अपने होटल रूम चले जाएंगे। तो हमें एक फैमिली मिली और उन्होंने हमें कहा कि वो लोग गणपति टेम्पल जा रहे हैं जो यहाँ का बहुत ही फेमस गणपति टेम्पल है। तो उन्होंने हमें ऐसे ऑफर किया कि अगर आप चाहो तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने सोचा वैसे ही हम लोग होटल रूम जाने का प्लान कर रहे हैं और वेल्लोर फोर्ट तो हमने कैंसिल ही किया है, तो क्यों ना हम लोग गणपति पप्पा का दर्शन करें। और फिर हम गए गणपति पप्पा के दर्शन करने। तो कहते हैं ना, कभी कभी आप कुछ प्लान बनाते हैं लेकिन भगवान के मन में कुछ अलग ही प्लान होता है। तो उसी के जैसे हमारा हो गया कि आज हमारा प्लान कुछ अलग था लेकिन भगवान का प्लान कुछ अलग था और हमारे दर्शन काफी ब्यूटीफुल हुए। तो आज मैं आपको दिखाती हूं गणपति मंदिर, चलिए। अभी हम जा रहे हैं कानीपाकम विनायका टेम्पल। चित्तूर से 12 किलोमीटर दूर यह टेम्पल है, और जब आप चित्तूर आते हैं तो आपको इस टेम्पल को जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ आने के लिए आपको ऑटोज और बसेस आराम से मिल जाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ कानीपाकम गणेशा टेम्पल। इस टेम्पल का एरिया बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर भी आपको आपका मोबाइल डिपॉजिट करना पड़ता है। इसी के साथ मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर के अंदर का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सकती। यह मंदिर श्री वर सिद्धि विनायका स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गणपति बप्पा की मूर्ति स्वयंभू है, और ऐसा कहते हैं कि यह मूर्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत तक इस मूर्ति की साइज बढ़ती जाएगी, और उसके बाद गणपति बाप्पा स्वयं प्रकट हो जाएंगे। गणेश जी की यह मूर्ति एक वेल में मिली थी, बाद में लोगों ने उस वेल के अराउंड मंदिर की स्थापना की। आज भी गणेश जी की मूर्ति वहीं पर स्थापित है। मंदिर के अंदर अन्न प्रसाद की सुविधा उपलब्ध है। गणपति बाप्पा मोरिया। इस मंदिर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जिस फैमिली के साथ हम यहाँ आए थे उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से गाइड किया और हर वक्त हमारा साथ भी दिया। मैं उस फैमिली की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे मंदिर के दर्शन करवाए। दर्शन होने के बाद हमें कानीपाकम मंदिर से तिरुपति के लिए डायरेक्टली बस मिल गई। उसके बाद हम गए PS4 रेस्टोरेंट। ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं वो तिरुपति का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ इनकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस तो मैंने यहीं पर देख ली। ये यहाँ की फेमस साउथ इंडियन थाली है जो मैंने ऑर्डर की, और आप सोच नहीं सकते
मैं इस रेस्टोरेंट के अलावा किसी रेस्टोरेंट के बारे में अभी सोच भी नहीं सकती। यहाँ के स्वीट्स भी बहुत फेमस है, तो कुछ स्वीट्स मैं घर लेकर जाने वाली हूँ और यहाँ की फूड क्वालिटी अमेजिंग है। तो अगर आप तिरुपति पहली बार जा रहे हैं तो PS4 रेस्टोरेंट को ज़रूर विज़िट कीजिए, आप यहाँ के खाने को कभी भूल नहीं पाएंगे। अभी आपको बाय बाय करने का समय आ गया है। आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ट्रैवल टू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो देखने मिले। बाय बाय, टेक केयर।